पांचों पांडवों के नाम बताओ। इधर उधर का देख रहा है बे, मालूम नहीं है तुमको? बता रहे हैं मास्टर जी, एक तो भीम था, एक तो उससे बड़ा था, एक तो उससे छोटा था, एक तो और था, बाकी एक तो का तो नाम ही हम भूल गए मास्टर जी। वाह, क्या जवाब दिया है, तुमको तो शाबाशी मिलनी चाहिए बे, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। गधा कहीं का। बीरबल कौन था? हमको तो नहीं है मालूम मास्टर जी, ये कौन था? अरे कभी पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान दे दिया करो बे, तभी तो मालूम रहेगा ना। मास्टर जी एक तो बात पूछें। पूछो। आपको पता है गौतम, अमित, मनीष कौन है? अब ये कौन है बे? कभी अपनी बेटी पर भी ध्यान दे दिया करो, तभी तो मालूम रहेगा ना। गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, ये है हमारे शिक्षा मंत्री फनीश तुसोदिया साहब। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये बड़े अव्वल दर्जे के फनी आदमी हैं। अब ये आप लोगों से कुछ सवाल जवाब करेंगे और ये जायजा लेंगे कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है यहाँ पे। बच्चों, बाकी नेता लोग मन की बात करते हैं और हम फन की बात करते हैं। डरो नहीं, हम कोई खतरनाक सवाल नहीं पूछेंगे, जो भी पूछेंगे बस जवाब मजेदार देना, समझे कि नहीं? जी सर। अच्छा पहले सब लोग एक एक करके ये बताओ कि तुम लोग आगे अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हो। सर मेरा नाम शीला है और मैं बड़ी होकर एक आदर्श माँ बनना चाहती हूँ। वाह वाह, बहुत खूब, क्या सुंदर विचार हैं बालिका के। अब तुम बताओ बेटे। सर जी मैं ना बड़ा होकर सबकी सहायता करना चाहता हूँ और सबसे पहले मैं शीला की सहायता करना चाहूँगा। शीला की सहायता, मगर किस चीज में? माँ बनने में। विद्यार्थी मजाकिया है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब मैं अगला सवाल तुम्हें से पूछूंगा। ये बताओ कि इंसानी शरीर में सबसे कोमल अंग कौन सा है? बताओ बताओ। सर जी इंसान के शरीर का सबसे कोमल अंग उसका पिछवाड़ा है। पिछवाड़ा? हाँ सर जी, जिसे हिंदी में चुत्तड़, उर्दू में तशरीफ, अंग्रेजी में बटक और आम बोलचाल की भाषा में गधीश। अबे गधे का बोल रहा है बे? सच बोल रहे हैं मास्टर जी, मैं तो प्रूफ भी कर सकता हूँ। हाँ हाँ साबित करो। देखिए सर जी, इंसानी शरीर का ये हिस्सा इतना नाजुक और कोमल होता है कि ये कई कई तरह से और बातें बात पे फट जाता है। और यही नहीं सर जी, कमाल की बात तो ये है कि ये तीन लेवल पे फटता है, इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल और लोकल लेवल। क्या तुम कोई उदाहरण दे सकते हो? एकदम सर जी, अब देखिए जब भारत और रूस दोस्त बने तो अमेरिका की फट गई, ये हुआ इंटरनेशनल लेवल पे फटना। और जब जनता दल और बीजेपी एक हुए तो कांग्रेस की फट गई, ये हुआ नेशनल लेवल पे फटना। और लोकल लेवल पे? इधर आप और मैं बातें कर रहे हैं और उधर मास्टर जी की फट रही है, इसे कहते हैं लोकल लेवल पे फटना।